हैं जी आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ हम सब लोग ठीक ठाक होंगे। अभी जी मम्मा की तरफ आई हुई हूँ और आज सैटरडे और अभी हम लोगों ने जाना है बाज़ार। मम्मा अभी उठी हैं, मैं आई हूँ तो मम्मा उठी थी, तो क्योंकि हम लोग तो सुबह जल्दी उठते हैं, मामा और रिश्वा के कोई काम नहीं होते, वो लोग सुबह उठते हैं लेकिन फिर सो जाते हैं। अच्छा मैं देखूँ मुझे मैसेज आया, तो अभी जी हम बाज़ार जाएंगे, मामा भी नाश्ता करेंगे फिर जाएंगे। अभी मामा को लग जाएगा 45 मिनट, क्योंकि वो नाश्ता भी करेंगी, बर्तन भी धोएंगी, सफाई भी करेंगी, क्योंकि हम लोग के घरों में तो ऐसी बाहर जाया जाता है कि पहले जी सारे काम ख़त्म करके सफाइयाँ करके घर समेट के मैं भी अपने घर हांडी बना के आई हूँ, नाश्ता करके आई हूँ, सफाई करके बर्तन धो के सारे। अच्छा बेटा सारे सारे घर में स्प्रे करके, मतलब मच्छर और वो फिर इन सब चीज़ों का स्प्रे करके, तो फिर मैं जो है आई हूँ। और अभी टाइम में आई थी 11:25 पर, और मतलब आप हिसाब लगाएं कि मैंने आज बनाए थे करेले। मैं घर जाऊँगी तो आप लोगों को करेले की शक्ल भी दिखाऊंगी। और रास्ते में से मैंने मामा के लिए, इशवा के लिए लिए थे पफ्स, वो उसका मैंने एक शॉट लगाया था। आप शायद ये वाली वीडियो देख रहे होंगे तो शायद रमज़ान आ गया होगा, क्योंकि हमने जो है शॉपिंग करनी है रमज़ान से पहले, तो बाज़ार जाएंगे। क्योंकि अभी जो है मैं थोड़ी देर लेटूंगी, थोड़ी सी आंखें बंद कर लूँगी, क्योंकि रात को मैं पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते मुझे हो गए थे 3:30, तो बड़े देर लग गई थी पढ़ाई पढ़ने में मुझे। तो अब जी बस थोड़ा सा लेटूंगी, और हम दान ने लेनी है ऐनक चेन और टोपी और टो कैप लेनी है इन लोगों ने, और कपड़े भी लेने हैं, ईद के कपड़े लेने हैं, रमज़ान के कपड़े लेने हैं। मेरी बहन दिखा, हर तरह का बैग ले लेना। मैंने कहा हर तरह का एक एक बैग ले लेंगे। नहीं नहीं वो चाहिए। गाजरे ना डालें गिलास में, पिया नहीं जाता। अच्छा डोल और डोल के पापा, भाई डोल के पापा नहीं है, सिर्फ डोल है, सिर्फ डोल है। हुरिया ने पहले भी ये तोड़ दिया है, ये भी हमने लिया था, ये भी हमने बर्बाद कर दिया है। चलो आओ आगे देख लो हुरिया, आगे देख लो बेटे। मार्च आ गया और गर्मी आ गई, गर्मी हम ढूंढ के एक लोन का सूट पहन पाए हैं। खैर मेरे को सारे कपड़े अपने इस्त्री कर दिए, फिर भी मैं लोन का सूट पहन कर आई हूँ। चलो आ जाओ मां, पैसे दे दिए आ जाओ। हाँ ना देखो तुम्हारा समोसा बड़ा है, मेरा समोसा छोटा है। दिखाओ। चलो ठीक है ऐसा कर दो जी। तो बस मेरा भी एक दुपट्टा रह गया, उसकी पीक हो रही है, बाकी सारे हो गए हैं। कुछ पे पाइपिंग लगवाई है मैंने दुपट्टे पे, और कुछ पे तैयार दुपट्टे थे, मतलब जिन पे बॉर्डर वगैरह बने होते हैं, और अभी जो है एक दुपट्टे का इंतज़ार हो रहा है। सब गई हूँ मैं, 6:10 हो गए, मगरिब आने वाली है, इस बार टांगों में जान नहीं है। दुकान के बाहर बैठी, मम्मा भी बाहर आ रही है, मम्मा अंदर बैठी हुई थी हम दान को लेकर, मैं हो रही और इसका बाहर बैठी हुई, अंदर गर्मी से नहीं हो रही है। और जुतियाँ भी मैंने ले ली हैं, मेरे ईद के कपड़े भी हो गए हैं, मेरी तैयारी हुई है सिर्फ, लाल और बच्चों की कोई तैयारी नहीं, लाने का तुम लो और सिलवाओ, उनके पास तो सारा सामान है। मामा अभी बाहर आ गई हो, गर्मी लग रही है अंदर, अंदर गर्मी हो रही है। इधर देखो हम दान उड़िया, आपने मुझे इधर देखा, आपने क्या लिया उड़िया, इधर में करके दिखाओ। वाह हमदान ने बुक ली है और क्या लिया, क्ले लिया, क्ले क्ले मैंने ना।
मौसम इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया, प्यास भी बुझ रही है। मैं कह रही हूँ एक गिलास और कांजी पीनी पड़ेगी। मगरिब भी हो गई है, जोर के टाइम हम निकले थे। हाँ अभी हमने रखे हैं, बैठ गए हैं और घर जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ इतना रास्ता पैदल चल के आई कांजी के लिए कि मैंने कांजी पीनी है। दोपहर मैंने पी है लेकिन मेरा दोबारा दिल कर रहा था पीने का, मैं कहा मैं दोबारा कांजी पीऊँगी लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आया। टांगे अलग हो गई, मैंने शाल भी जाना है यार, थक गई हूँ। फिलहाल हम जगह कि आज आई हो तो आज सारे काम ख़त्म करके जाओ। अब बस हम घर जा रहे हैं, टांगों में बिल्कुल जान नहीं है। तो हम घर आ गए हैं और मम्मा बना रही है बिरयानी, क्योंकि मैं सुबह आती मम्मा को लेके जैसे मम्मा ने कभी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा अच्छा बिरयानी बना लो। और बिलाल की मुझे आई है कॉल के तुम लोग आ गए हो तो चलते हैं शालमी, शालमी से सामान ले आते हैं। अच्छा हुआ क्या था कि जब ना हम काका बाबा गए थे ना, पता नहीं आपने वो वाला व्लॉग देखा होगा कि नहीं देखा होगा, तो वहाँ से ना मैंने चंद चीज़ें ली थी, वो तो बहुत एक्सपेंसिव भी थी और क्वालिटी वाइज अच्छी थी, लेकिन ना वहाँ पर ज़्यादा वैरायटी रेंज नहीं थी। अब जी हमने शालमी जाना है, वहाँ से कुछ सामान लेके आना है। और लाल मुझे कॉल किया कि बस मैं आ रहा हूँ, मैं अभी मुँह हाथ धोने जा रही हूँ ताकि मैं दोबारा बाजार जाने काबिल हो सकूँ। मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। मैं कह रही हूँ आज रात मेरी एड़ियों ने ना चीखे मारनी है, चीखे मारनी है, चीखे। अच्छा बिलाल को मैं कहती हूँ कि भाई अलग अलग दिन रख लेते, कहते नहीं 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 सारा कुछ आज कर लो। मैंने बच्चों को कुछ भी नहीं देने देखूँगी, अगर मुझे शालमी में कुछ बच्चों के लिए पसंद आ गया तो फिर वहाँ से ले लूँगी। ये जी हम आ गए थे शालमी और आलम मार्केट उर्फ शालमी। तो यहाँ पर जी रश बहुत था क्योंकि इस टाइम ना सारा सामान लोड होके जा रहा होता है तो रश बहुत था। हम जी यहाँ पे स्पेशल गली है, यहाँ पे स्टील के कुकर शुकर जहेज़ का सारा सामान यहीं से मिलता है। मेरा जहेज़ का सारा सामान यहीं से लिया गया था, मतलब कूलर हॉटपॉट प्लास्टिक का मार्बल का कांच का हर बर्तन जो है यहाँ से लिया गया था। तो हम जी इधर ही आ गए थे क्योंकि इधर से सामान लेना था सारा। प्याज ज़रा आसानी से ना चोप हो जाएगी। ब्रेक गली हैं, चलो बस बिलाल यहाँ पे मार्केट ख़त्म हुई बर्तनों की। वैसे पहले ऐसे ही है, थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है, रेड कलर भी बाजी का हमारा छोटा है जो आपका नहीं था। सिल्वर तो लगा के केला होगा, वो स्टील का होगा, स्टील का सड़ जाएगा, स्टील का सड़ जाएगा। अच्छा झूठ क्यों बोल रही है, साडा पाजी ने गल कर रहे असल शेयर नहीं होएगा फिर साडा सेल सही गल। यहाँ से जी मैंने ली थी प्लेट्स, बड़ी प्लेट्स छोटी प्लेट कटोरियाँ, एक बाउल, एक सालन वाला बाउल और एक बगैर ढक्कन वाला बाउल। खुली प्लेट ली थी, बिलाल तो मुझे कह रहे थे अगर तुमने पूरा डिनर सेट लेना है प्लास्टिक का तो वो ले लो, मैंने कहा मैंने वो नहीं लेना, मैंने जो है खुली प्लेट्स लेनी है। मैंने हर प्लेट कटोरी छः छः ले ली थी। और यहाँ से जी मैंने लिया था चॉपर, ये जो चॉपर आपको नज़र आ रहा है ये जो यहाँ रखा हुआ है ये वाला चॉपर जो अभी इसका रेट हो रहा था ये वाला मैंने चॉपर लिया था। अच्छा इसका जो मैं आपको बाकी सब सारा सामान अभी तो खैर मैं अपनी मम्मा के घर ही छोड़ रही हूँ। और यहाँ से जी मैंने लिए थे प्लास्टिक के बॉक्स, मतलब रमज़ान में खाना खाने के रखने के लिए, सालन वगैरह रखने के लिए। और यहाँ से जी मैंने लिए थे बाउल्स, और हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा थे। मैं हर साल रमज़ान में ही प्लास्टिक के बाउल्स वगैरह लेती हूँ क्योंकि फिर वो पूरा साल इस्तेमाल हो जाते हैं और फिर जब अगली दफ़ा रमज़ान आता है तो तब तक जो है टूट जाएंगे। ये वाला मुझे पसंद आया था लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मैंने कहा नहीं मैं आपको बाद में लूँगी, हमारे साथ रेट नहीं बन रहा था। यहाँ पर हमने काफ़ी सारा और भी सामान प्लास्टिक का लिया था, जो ज़्यादा सामान ले लो ना फिर दुकानदार भी थोड़े से ना बिखर जाते हैं। बस जी अब यहाँ से जी हम लोग जा रहे थे वापस घर अपने, और जब मेरे घर सारा सामान आ जाएगा तो फिर मैं जो है आप लोगों को सारा सामान अपना दिखाऊंगी और उनके रेट भी बताऊंगी कि किस क्या चीज़ कितने में मिली। और ये हैं जी करेलों की शक्ल जो मैंने आपसे कहा था मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। ओके जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।